हेलो माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन लासिक्स 40 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में होगी। व्यूअर्स, आज हम जानेंगे इस टैबलेट के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, यूजेज और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। व्यूअर्स, सबसे पहले हम लासिक्स टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, यानी इस टैबलेट का फार्मूला क्या है। फार्मूला इसका फिरोजेमाइड है और इस टैबलेट का जनरल काम लोप ड्यूरेटिक के तौर पर काम करती है और यह टैबलेट 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम में दस्तयाब होती है और बआसानी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाती है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटिव हर आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, अब आए जानते हैं इस लासिक्स 40 मिलीग्राम टैबलेट के फ़ायदे और जानते हैं कि किन किन सूरतों में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये टैबलेट हमारे जिस्म में इजाफी साल्ट को जज़ब होने से रोकती है, यानी इजाफी नमकियात को रोकती है और इस छोटे पेशाब के ज़रिए बाहर निकालती है। और इसके अलावा ये टैबलेट एडिमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एडिमा क्या होती है? एडिमा एक बीमारी है। ये बीमारी दिल के मरीज़ और लीवर के मरीज़ में होती है। इस बीमारी में ये होता है के हाथ और पांव फूल जाते हैं, यानी सूजन हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये टैबलेट एडिमा के लिए भी बेहतरीन टैबलेट है। और इसके अलावा अक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए मुफीद टैबलेट है। अक्यूट पल्मोनरी एडिमा क्या होता है? इसमें यह होता है कि फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है तो इसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, तो इसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना मुफीद है। और इसके अलावा सेरिब्रल एडिमा के लिए इस्तेमाल करना भी मुफीद है। सेरिब्रल एडिमा में ये होता है कि सर में पानी पैदा हो जाता है जिससे सर में दर्द होता है, बसारत में भी मसला पैदा होता है, सर भी चकराता है और इसके अलावा उल्टी और मतली भी होती है, तो इसके लिए भी मुफीद टैबलेट है। और ये टैबलेट हाइपरकैल्शेमिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि जिस्म में कैल्शियम बढ़ जाता है तो इसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा लासिक्स टैबलेट ज़्यादा ब्लड प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी ये टैबलेट मुफीद है। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे और अब जानते हैं कि कैसे इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, उम्र, वज़न और बीमारी के एतबार से डॉक्टर मुख्तलिफ खुराक तजवीज़ करते हैं, लेकिन आम तौर पर 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम दिन में दो दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, खाना खाने से पहले या बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, 18 साल से कम उम्र के लोग इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के यूजेस और अब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट के, इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कब्ज़ हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, भूख की कमी हो सकती है, सर दर्द और सर चकरा सकते हैं, नज़र में धुंधलापन हो सकता है, कानों में शोर हो सकता है और इसके अलावा मैदे में जलन पैदा हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट और आप जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी वो लोग जिनके लिए ये टैबलेट ममनू है, यानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुर्दों के बीमार मरीज इस्तेमाल ना करें, बड़े हुए पैरास्टेट के मरीज इस्तेमाल ना करें, शुगर के मरीज इस्तेमाल ना करें, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा जो लोग इस टैबलेट के कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।